जय श्री कृष्ण साथियों, एक बार फिर गीता धाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे हनुमान जी का जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर स्वतंत्र अपमान का नियम जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, आज हम देखेंगे स्वतंत्र अपमान नियम के अंदर किस प्रकार दो अलग अलग भी प्रक्रियाशील लक्षण वाले पात्र के बीच में क्रिया करवाई जाती है और उनके संकरण के स्वरूप जो पादप नए लक्षण उत्पन्न होते हैं वो कैसे अपने अपने लक्षणों को लेकर स्वतंत्र रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने जो कल बोला था उसको थोड़ा सा वापस हमने पीले बोला था, ये पीले भी थे और गोलाकार बीज भी थे। एक हमने लिए हरे झूलीदार, कैसे बीज लिए हरे और झूलीदार, ठीक है। पीले गोलाकार को हम कैसे लिखते हैं, मैंने कल बताया था कैपिटल वाई कैपिटल आर। हरे झूलीदार को कैसे लिखते हैं, स्मॉल वाई स्मॉल आर। देखो कुछ चीजें मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपको पता रहे कि इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये चीजें आपको बेसिक रूप से याद होनी चाहिए। अब मैं बता दूं कक्षा दसवीं में हमारे ठोड़ से ठोड़ या होशियार से होशियार से बच्चे तक उसको ये स्ट्रक्चर रखनी आनी चाहिए। सबसे पहले देखो हर क्वेश्चन का उत्तर आए ना आए ये बात की बात है, लेकिन उत्तर को लिखने का जो तरीका है उसकी शुरुआत सबको आनी चाहिए ताकि आपका एग्जामिनर जब कॉपी देखे उसको सीधा इफेक्ट पड़े कि बच्चे को कुछ न कुछ तो आ रहा था, ठीक है। तो पीले गोलाकार हरे और झूलीदार इन दो के बीच, ठीक है, अपन ने संक्रम करवाया। क्या करवाया, संक्रम। ये कैसे है, समयुग्मजी है क्योंकि एक समान है, ठीक है, समयुग्मजी, ठीक है। और ये कैसे है, ये भी समयुग्मजी है क्योंकि एक समान है। तो देखो दोनों समयुग्मजी है, ठीक है, समयुग्मजी है, दोनों के बीच में संक्रम करवाया। और ये थी हमारी जनक पीढ़ी जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स पीढ़ी। क्या बोलते हैं, पेरेंट्स पीढ़ी। अभी हमने लिए इनसे ये पादप F1 पीढ़ी आएगी तो ये क्या हो गई, जनक पीढ़ी। तो हमने ये जनक पीढ़ी करी और इनके बीच में हमने संक्रमण करवाया, तो संक्रमण करके यहां से क्या कॉमन आया, कैपिटल Y स्मॉल R। इधर से क्या कॉमन आया, बोलिए, स्मॉल R कैपिटल नहीं स्मॉल Y स्मॉल R। और इन दोनों से हमें क्या मिला रिजल्ट के रूप में, तो संक्रमण करवाया वाई का वाई के साथ क्रॉस, ये वाई आर का आर के साथ क्रॉस, ये थी एफ वन पीढ़ी। क्या थी, एफ वन पीढ़ी। और यहां पर जो मिले थे हमें वो सब कैसे मिले थे, पीले गोलाकार, पीले गोलाकार विषम युग्मजी। क्यों, क्योंकि वह सब समान थे, यहां थोड़े असमान है, तो ये कैसे हो गए विषम युग्मजी, कैसे हो गए विषम युग्मजी, ये विषम युग्मजी मिल गए। फिर ये विषम युग्मजी मिले, ये F1 पीढ़ी थी। क्या थी, F1 पीढ़ी। अब इस F1 पीढ़ी का जो हम संक्रमण करवाएंगे आगे की कड़ी में, ये हमें लक्षण मिलेंगे, इनको हम देखते हैं। F1 पीढ़ी मिली, अब इनके बीच में हमने क्या करवाया, स्वपरागण। क्या करवाया, स्वपरागण। तो इनके बीच में हमने करवाया स्वपरागण, कैपिटल वाई स्मॉल आर। थर्ड हमारा क्या था है, कैपिटल ये स्मॉल वाई कैपिटल आर। और फोर्थ हमारा क्या था, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो चारों से बड़ी थी इसकी जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी, ठीक है। अब इन सब के बीच में हम संक्रमण करवाते हैं, तो संक्रमण को हम देखते हैं, ठीक है। संक्रमण करने देखो कितना है, एक दो तीन चार, तो इन चार देखो अब टेबल बनाना सीखना, ये चार है तो वापस इन चारों के बीच में संक्रमण होगा, ठीक है। तो आप अपनी टेबल बनवाइए, तो कितने कॉलम हो जाएंगे, पांच कॉलम की टेबल बन जाएगी, कितने पांच कॉलम, पांच कॉलम की टेबल आपको ये बनानी है। यहां पर आपको पता चलेगा कि संकरण के सब प्रकार करवाया जाता है। ये कट रहा है तो मैं इस टेबल को ऊपर की ओर बढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये इस तरह लिखा हुआ हटा दो,
स्मॉल y f1 लिखेंगे, कैपिटल y स्मॉल y कैपिटल r स्मॉल r, ये क्या थी f1 td, ठीक है। इसमें हमने करवाया स्वैप प्रक्रिया, क्या करवाया स्वैप प्रक्रिया, ठीक है। ये हमने इसमें स्वैप प्रक्रिया करवाया, स्वैप प्रक्रिया करवाया, हमें क्या मिला स्वैप प्रक्रिया में, सबसे पहले कैपिटल y स्मॉल r, ठीक है, दोनों कैपिटल ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, कैपिटल y कैपिटल r, सेकंड हाफ कैपिटल y स्मॉल r, थर्ड था स्मॉल y कैपिटल r, और फोर्थ था स्मॉल y स्मॉल r, ठीक है, ये हो गया। अब हमारी जो टेबल पड़ेगी वो इन चारों को ध्यान में रखते हुए पड़ेगी, ठीक है, और आपको भी इन चारों को ध्यान में रखते हुए ही टेबल को बनाना है, ठीक है। आगे देखिए, कॉलम एक से दो करते हैं, ये मेल मेल की मेल, ठीक है, ये इसका कॉलम होता है। अब हम सबसे पहले किसके बीच कराते हैं, वाई और आर, सेकेंड कैपिटल वाई स्मॉल आर, थर्ड स्मॉल वाई कैपिटल आर, फोर्थ कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल वाई कैपिटल आर, और यहाँ स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है, और संकलन कर दिया तो
यही हमें सीखना है, ठीक है सबसे पहले, और पीले और गोलाकार, ठीक है। तो इस प्रकार यह सब जगह जा भाई, जा भी वाई कैपिटल आ रहा है, वो सभी कैसे हैं पीले और गोलाकार। तो इन सब में आप देख सकते हो पीले गोलाकार, ठीक है, ये सभी पीले गोलाकार, ठीक है। तो कैसे हैं पीले और गोलाकार, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो, ये भी पीला गोलाकार, पीला झुर्रीदार छोटा आ गया ना, तो ये कैसा है पीला तो कलर हो गया इसका, और ये आज छोटे क्या हो गया झुर्रीदार, दोनों एक शेम ना, पीला है लेकिन कैसा है झुर्रीदार, ठीक है। फिर ये भी पीला गोलाकार और ये भी एक और पीला झुर्रीदार, ये भी कैसा है पीला और झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार। और आगे देखो आप, पीला और झुर्रीदार, फिर पीला गोलाकार, पीला गोलाकार, हरा गोलाकार, ये रहा, ठीक है, हरा और गोलाकार। तो जो भाई छोटा है समझ गया, हरा और गोलाकार, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट देखो, हरा गोलाकार, ये दोनों पीले गोलाकार है, ये पीला गोलाकार और ये भी पीला और गोलाकार, और ये हरा गोलाकार, ये भी हरा गोलाकार, हरा और कैसा है गोलाकार, ठीक है। फिर देखो नीचे वाले में, ये भी पीला गोलाकार वही कैपिटल, ये भी पीला गोलाकार, ये पीला झुर्रीदार, ठीक है, ये पीला झुर्रीदार, ठीक है, और ये हरा गोलाकार, ठीक है, और ये हरा भी है और झुर्रीदार भी है, ठीक है। ये सभी अवमान का नियम निरूपित हो गया। अब इसमें और क्या कहते हैं किताब, उसको देखते हैं। लक्षण प्रारूप की बात करें, सीधी सी बात है, किसकी बात करें, स्वतंत्र अपवन के नियम में लक्षण प्रारूप की बात करें, तो पीले गोलाकार किसे जन्म मिल रहे हैं, तो देखो पीला गोलाकार एक दो तीन चार, चार यही हो गए, फिर पीला गोलाकार पांच, पीला गोलाकार छह, पीला गोलाकार सात, पीला गोलाकार आठ, पीला गोलाकार नौ, ठीक है। तो पीले गोलाकार कितने मिल गए हमें, लक्षण प्रारूप की बात करें तो पीले और गोलाकार मैंने जो अपने पेपर में लिखा है ना वही, तो पीले गोलाकार कितने मिल गए आपको इस लक्षण प्रारूप में, नौ, ठीक है। फिर पीले गोलाकार नौ मिल गए, फिर आप पांच लगाएंगे पीले गोलाकार के अनुपात में, फिर पीले झुर्रीदार, ठीक है, तो पीला भी है झुर्रीदार भी है, तो ये एक, ये दो और ये तीन, तो ये आपको मिले पीले, लेकिन कैसे मिले झुर्रीदार, ये हो गए तीन, ठीक है। फिर देखते हैं पीले गोलाकार हो गए, पीले झुर्रीदार हो गए। अब देखो हरे गोलाकार और हरे झुर्रीदार, ठीक है, तो हरे गोलाकार कितने हैं, तो देखो हरे गोलाकार में फर्स्ट लाइन में नहीं, सेकंड में नहीं, ये घेरा हरा झुर्रीदार, हरा गोलाकार, हरा गोलाकार दो और हरा गोलाकार तीन, तो हरे गोलाकार कितने मिले आपको तीन, हरे गोलाकार कितने तीन, और एक और मिला हरा झुर्रीदार, सिर्फ एक ही रहा, ठीक है, हरा भी है और झुर्रीदार भी, हरा झुर्रीदार कितना मिले तीन। तो आप लक्षण प्रारूप क्या हुआ, नौ अनुपात तीन अनुपात तीन अनुपात एक, ये हमारा क्या हो गया लक्षण प्रारूप स्वतंत्र अपवन के नियम का, और जिन प्रारूप में नौ प्रकार के अनुपात अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये मेडल का स्वतंत्र अपवन का जो नियम था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक बचता है, इसमें मेंडल के अनुसार गति के नियमों का महत्व, तो कुछ नहीं है, कुछ नियम बताए थे, मैं आपको
बता भी देता हूं और आपको ध्यान भी देना है। जैसे कि सबसे पहले है सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक हानिकारक घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को विभक्त नहीं करते। कई सारे ऐसे जीन होते हैं जो हानिकारक होते हैं लेकिन प्रभावी जीन की उपस्थिति में स्वयं को प्रकट नहीं करते, तो उनके बारे में ध्यान करना अध्ययन करना भी जरूरी है। फिर मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जीन सहकल्पना की पुष्टि, जीन के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान मेंडल के नियमों के द्वारा प्राप्त हुआ। फिर पृथक्करण के नियम अनुसार एक जीन के दो युग्मविकल्पी होते हैं तथा ये दो विप्रेष लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, मतलब एक जीन के दो युग्मविकल्पी होते हैं जैसे लंबे कोने हरे पीले गोलाकार झुर्रीदार, और ये अलग अलग लक्षणों को प्रभावित भी नियंत्रित भी करते हैं। मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। जब आप दो अलग अलग जातियों के बीच में संकरण करवाते हैं तो उसके परिणाम के रूप में हमें नई जातियों के बारे में और कई सारा अलग से ज्ञान भी मिलता है। फिर और क्या होता है, संकरण विधि के अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। मतलब जब आप दो अलग अलग पौधों के बीच में संकरण कराते हैं जो उपयोगी चीजें उनको आप एक साथ कर सकते हैं, अनुपयोगी चीजों को हटा सकते हैं, समय भी बचता है, धन भी बचता है और काम भी परफेक्ट होता है। फिर मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोध तथा अधिक उत्पादन वाले फसली पौधों की किस्म विकसित की जा सकती है। सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र के लिए कि जिस किस्म जिन दो पौधों के बीच में संकरण कराने से उत्पादन क्षमता ज्यादा प्राप्त हुई और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक मिली, तो इस प्रकार एक सुदृढ़ जैविक फसल का निर्माण किया जा सकता है। और मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा सुजनिकी मेंडल नियमों पर ही आधारित है। ये पूछा जा सकता है कि मेंडल के नियमों पर कौन सी विज्ञान की शाखा आधारित है, तो उस विज्ञान की शाखा का नाम है सुजनिकी, ठीक है, यूगेनिक। मेंडल मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा में सुजनिकी है, वो मेंडल के नियमों पर आधारित है। इस प्रकार आपका ये मेंडल का जो टॉपिक है ये पूर्ण होता है। ठीक है साथियों, अगली क्लास में हम देखेंगे अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अब आपको इन चीजों को घर पर बैठे हुए जो मैंने तीनों स्वतंत्र अपमान पृथक्करण, ठीक है, इन तीनों तीन नियमों को बताया, इन तीनों नियमों को आपको और अच्छे से तैयार करना है। जय श्री कृष्ण। और आप नियमित अध्ययन करते रहे, बहुत ही कम समय है और ये समय आपको अपने आप को साबित करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा अवसर है। धन्यवाद।